जलपरियों की कहानियां हम सब ने सुनी है, लेकिन जलपरियां क्या सच में होती हैं? क्या कभी किसी ने उन्हें देखा भी है, या वो सिर्फ मनुष्य की कल्पना मात्र भर है? कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन की एक पत्नी जलपरी ही थी। आज हम आपको बताते हैं जलपरियों की अपरिचित दुनिया के बारे में। पहले तो ये बता दें कि जलपरियां होती कैसे है। जलपरी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला भाग मछली जैसा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज ही समुद्र की तह में समा जाता था। महाभारत और भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में भी जलपरियों का उल्लेख है। रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा का उल्लेख किया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उल्पी का भी जिक्र जलपरी के रूप में किया गया है। वह एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिनके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला हिस्सा मछली जैसा था। असायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानी का उल्लेख है। असायरिया की रानी देवी अटागिरटिस, जो सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से प्यार था, लेकिन उसे प्रेमी की हत्या करनी पड़ी। लेकिन बाद में उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अटागिरटिस को डेरकेटो भी माना जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालोनिक ने जलपरी के रूप में दूसरा जन्म लिया। वो काफी समय तक जीवित रही और जब भी कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वह हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी, क्या सिकंदर अब भी जिंदा है? जो कोई ये कहता कि वो जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, उसे वो जाने देती। लेकिन जो कोई ये कहता कि वो जिंदा नहीं, उसके जहाज को वो डुबो देती थी। अरेबियन नाइट्स में भी जलपरियों और जलमानवों का उल्लेख मिलता है। इन कहानियों के अनुसार जलमानव और जलपरियों के मिलन से हुए बच्चे बिना किसी दिक्कत से पानी के अंदर भी जीवित रह लेते थे। चीनी दंत कथाओं में जलपरियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। हाल फिलहाल में भारत के पोरबंदर के पास माधोपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था में मिलने की खबर सोशल मीडिया में काफी छाई हुई थी। घटनाएं काफी हुई हैं, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन दुनिया भर में कई सारे देश और कई सारी कहानियों में जलपरियों का जिक्र नजर आता है। इससे लगता है कि जलपरियों की कोई अपरिचित दुनिया जरूर कहीं ना कहीं होगी।